फिर मैं ऐसे सोचा कि क्या पता बच्चे बच्चे में से झगड़ा हुआ, कहा दो थप्पड़ थप्पड़ की बात होगी, हमने कहा जा तू यहाँ बार बार आती है मत आना। फिर मेरे दिमाग में आ कि नहीं जी जी माना, हमने घरवाली को बोला एक बार बाहर निकल कर देखो, देखी तो बड़ी भीड़ भाड़ लगी थी। फिर सर जी आए बोले चलो घरवाली को ले गए, तो वहां से उसने फोन की मेरे को, बोली ये तो मर गई आगे देखो। तो मैं गया तो पहचाना कि हाँ भाई मेरी बेटी। कैसी हालत थी जब आपने देखा वहां पर? मैम उसकी बहुत बुरी हालत थी मैम, उसके जो है पेट में इतने चक्कू मारे थे, सारी अतरी पतली बाहर थी और पत्थर सर के चार टुकड़े हो गए थे मैम। अच्छा, फिर आपने पुलिस को फोन किया? नहीं मैम, पुलिस तो पहले आ चुकी थी, पुलिस वालों ने हमारी घरवाली को ले गया। तो क्या था मतलब जो दोस्त बताई जा रही है साहिल को जानती थी, तो क्या आपको पता था साहिल के बारे में? नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं पता था साहिल के बारे में। दोस्ती थी, उसके साथ उसको जानती थी, झगड़ा हुआ था दोनों के बीच में? मैम क्या पता क्या हुआ था, लेकिन यही बारे में मुझे नहीं पता था झगड़ा हुआ था या दोस्ती थी या क्या था, ये मैम मुझे नहीं पता था। ना मैंने कभी सुना था, ना उसकी किसी सहेलियों से, ना कभी आते जाते उसको कोई लड़के की छेड़छाड़ मैंने देखा। कभी साथ में बाजार जा ले जाते थे, चल बेटा क्या खाना पीना है, तो ऐसी कोई हमने नहीं देखा कि कोई हरकत कोई लड़का करता हो या उसने कभी ऐसा मुझे दिखी हो, तो ऐसा तो मुझे नहीं था मैम। लेकिन कल जो है जब मुझे पता लगा, मैं वहां गया तो पूछताछ होने लगी, तो भाई उनकी एक सहेली थी, वो कहने लगी कि उसकी वो दोस्ती थी क्या थी ऐसा, लेकिन मुझे नहीं पता था। कहा था कि अपने घर पे नहीं रह रही थी वो 10 दिन से, कहीं अपनी नीतू कोई दोस्त है उसके साथ रह रही थी? जी मैम, वो नीतू को कह रही थी, वो मेरी भाभी भाभी करके उसी के यहाँ रहती थी, और उसके दो बच्चे थे, और उसका जो आदमी था वो बंद था, तो उसको हमारी बीवी गई बोले कि चलो घर, तो बोली नहीं मम्मी ये जो है इसके आदमी भैया छूट कर चले आएंगे, तो 20-22 तारीख तक फिर हम घर आ जाएंगे। जी, जैसा कि ये भी बताया जा रहा है कि स्कूल जाती थी क्या था? जी मैम स्कूल जाती थी। तो आप कैसा मतलब स्वभाव था? मैम स्वभाव तो उसका ठीक ही ठाक था। जी, तो आपको नहीं पता था किससे दोस्ती है, कहाँ जाना आना है? नहीं मैम, मैं मुझे नहीं पता था। अभी जब बॉडी मिली आपको तो कैसी हालत थी आपने? बहुत बुरी हालत थी मैम, देखने लायक नहीं बॉडी थी। अभी क्या मांग करते हैं आप? अभी तो मैं मांग चाहता हूँ कि जैसे मेरे बेटी को बेरहमी से मारा है वैसे उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे केस या कोई ऐसी करने की हिम्मत ना ले। क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। और कितने बच्चे हैं आपके? मैम मेरे पास दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का है।